खबर बांदा जनपद से है। बबेरू कस्बे में श्रीराम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह समिति के द्वारा प्रेस वार्ता कर प्राण प्रतिष्ठित समारोह को सफल बनाने की लोगों से अपील किया है। श्रीराम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह के संयोजक श्याम जी मिश्रा के द्वारा अपने आवास पर एक प्रेस वार्ता की गई, जिसमें प्रेस वार्ता करते हुए संयोजक श्याम जी मिश्रा ने बताया कि 500 वर्षों के संघर्षों के बाद श्रीराम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। इस मंदिर को देखने के लिए कई पीढ़ियां समाप्त हो गई। 22 जनवरी को श्रीराम को अयोध्या में प्रतिष्ठित होना है, जिसमें विश्व हिंदू परिषद की योजना के अनुसार प्रत्येक नगर एवं बस्ती की समितियां की रचना बैठकें संपन्न हो चुकी है, जिसमें 24 दिसंबर को अयोध्या से पूजित अक्षत एवं श्रीराम जी का चित्र तथा पत्रक प्राप्त होगा, जिसमें बबेरू कस्बे में सभी राम भक्त माताएं एवं बहनें कलश यात्रा का स्वागत करेंगी। वहीं इसके बाद 1 जनवरी से 15 जनवरी का प्रत्येक हिंदू परिवारों में जाकर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण देंगे और 22 जनवरी को दोपहर में मंदिरों पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें बबेरू कस्बे के मणिराय मंदिर, जोगनी माता मंदिर, राम जानकी मंदिर, शिव मंदिर चौराहा, कैलाश मंदिर, गायत्री मंदिर, शबरी माता मंदिर और सायंकाल सभी लोग अपने अपने घरों पर दीपोत्सव कार्यक्रम मनाएंगे। वहीं सभी लोगों को अयोध्या दर्शन कार्यक्रम में दर्शन हेतु अयोध्या के लिए प्रस्थान करेंगे। इस प्रेस वार्ता के समय नरेंद्र अवस्थी, रामकेश श्रीवास, अमरनाथ, शिव प्रकाश सिंह, जगदम्बा प्रसाद, शिव शंकर, प्रदीप मिश्रा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। ये परम सौभाग्य का विषय है। विगत 500 वर्षों के संघर्षों के बाद वह शुभ घड़ी आ गई है, जिसका संपूर्ण हिंदू समाज को इंतजार था। इस मंदिर को प्राप्त करने के लिए पीढ़ियां समाप्त हो गई। कई लोगों का बलिदान इस मंदिर के संघर्षों के बीच गया। आज हम सभी भाग्यशाली हैं जो 22 जनवरी को श्री राम लला को अयोध्या में प्रतिष्ठित होते देख रहे हैं। जैसा कि विश्व हिंदू परिषद की योजना के अनुसार प्रत्येक नगर एवं बस्ती की समितियों की रचना एवं बैठकें संपन्न हो चुकी हैं। 24 तारीख को अयोध्या से पूजित अक्षत एवं श्री राम जी का चित्र तथा पत्रक प्राप्त होगा। सभी राम भक्त एवं माताएं बहने कलश यात्रा का स्वागत करेंगे। इसके पश्चात 1 जनवरी से 15 जनवरी तक प्रत्येक हिंदू परिवारों में जाकर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण देंगे। 22 जनवरी को दोपहर 11:20 पर नगर की प्रत्येक बस्ती पर मंदिरों पर भव्य कार्यक्रम आयोजित करेंगे। अपना केंद्र बिंदु होगा मढ़ीराय मंदिर, जो कि इसी टाइम पर यहां भव्य तरीके से पूरे नगर को एकत्रित करके दिव्य कार्यक्रम का आयोजन यहां करेंगे। इसके पश्चात बबेरू नगर में जितने भी प्रतिष्ठित मंदिर हैं, जैसे कि जोगनी माता मंदिर, श्री राम जानकी मंदिर, श्री शिव मंदिर चौराहा में, कैलाश मंदिर, गायत्री मंदिर, सबरी माता मंदिर इत्यादि मंदिरों में कार्यक्रम आयोजित होगा। इसके पश्चात सायंकाल के समय सभी भक्त अपने घरों में दीपक जलाकर दीपोत्सव का कार्यक्रम भी करेंगे, जो कि प्रत्येक वर्ष दीपावली के समय होता था। वही कार्यक्रम हम इस 22 जनवरी को सायंकाल आयोजित करेंगे। प्रत्येक घरों में होगा कार्यक्रम भी। इसके पश्चात 31 जनवरी को अयोध्या धाम दर्शन कार्यक्रम है। सभी दर्शन हेतु अयोध्या प्रस्थान करेंगे। जो वहां से हमको निर्देश मिला है विश्व हिंदू परिषद के द्वारा कि अपने जो सांगठित प्रक्रिया है कानपुर प्रांत, उसको एक डेट दी गई है। कानपुर प्रांत के लिए 30 तारीख को शाम को यहां से निकलना होगा, 31 तारीख को दिन में, दिन भर हमको वहां दर्शन हेतु दर्शन कर सकते हैं, कुछ भी अन्य अपना जो भी है अपना दर्शन लाभ ले सकते हैं। शाम को पुनः वहां से हमारी वापसी होगी। ये व्यवस्था विश्व हिंदू परिषद के द्वारा सभी राम भक्तों को दी गई है। जो भक्तगण जाना चाहें, दर्शन करना चाहें, उसमें दर्शन कर सकते हैं। विशेष रूप से आपके माध्यम से हमारी जो शोभा यात्रा है 24/12/2023 को समय 1 बजे गायत्री मंदिर बांदा रोड में से प्रस्थान करके मढ़ीदाई मंदिर प्रांगण होते हुए पुरानी तहसील से राम जानकी मंदिर देवाला में स्थापित होगी। उसमें आपके द्वारा हम सभी राम भक्तों से, नगरवासियों से, क्षेत्रवासियों से आग्रह करेंगे कि आप थोड़ा समय निकाल करके अक्षत पूजित जो कलश हमारा बांदा जनपद से आ रहा है बबेरू, उस यात्रा को सफल बनाने के लिए सभी राम भक्त 1 बजे दोपहर में गायत्री मंदिर आने का कष्ट करें, जो कि ये कार्यक्रम आप सब लोगों का है, व्यक्तिगत हमारा नहीं है।
आप सबकी जब सहभागिता होगी तो कार्यक्रम हमारा दिव्य से भव्य हो जाएगा। इसी के साथ मैं विशेष आग्रह करूंगा, इस अभियान को घर घर तक पहुंचाने के लिए आप विशेष सहयोग करें और अपनी जो भक्ति है, श्रद्धा भाव है, उसको श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, ये जिला की समिति बनी हुई है, प्रांत की समिति, फिर जिले की समिति, जिले के बाद खंड की समिति, खंड की समिति के बाद फिर मंडल की समिति, न्याय पंचायत स्तर का गठन हो चुका है और ग्रामों का भी गठन हो रहा है। बहुत जल्द ही ग्रामों की भी सूची आ जाएगी और ये जो बड़े गौरव का विषय है, बड़े सौभाग्य की बात है कि जो हम लोग 500 वर्षों से लगभग 75 बार युद्ध हुआ, इसके लिए सैकड़ों हमारे हिंदू भक्त शहीद हुए। जैसा कि एक युद्ध हमने 90 में भी देखा था कि श्री मुलायम सिंह जी के द्वारा जब उस टाइम गोली कांड करवाया गया था तो उस टाइम भी हमारे राम भक्त मारे गए थे। इस तरह से यानी 500 साल में 76 बार युद्ध हुआ है और हमारे सैकड़ों हिंदू शहीद हुए। बड़े गौरव की बात है, बड़े सौभाग्य की बात है कि जिस मंदिर के लिए लाखों हजारों वर्षों से 500 वर्षों से सब लोगों को इंतजार था, हमारे सनातन हिंदू को, वो आज बनकर अयोध्या में भव्य राम मंदिर तैयार हो चुका है और प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी चल रही है जिसमें 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है और नगर के साथ खंड का भी बबेरू में 24 तारीख को 1 बजे से शोभा यात्रा निकाली जाएगी। उसमें गांव से भी लोग, मंडल के लोग, संयोजक लोग, सारे लोग आएंगे और नगर के लोग भी उसमें रहेंगे क्योंकि नगर में ही ये भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी और ये यात्रा गांव-गांव तक जाएगी। हर घर में पत्रक, हर घर में कूजी तथा चावल, ये हर समाज में, हर परिवार में, चाहे वंचित हो, शोषित हो, आदिवासी हो, गरीब हो, सबके पास, जिस तरह हम लोग धन संग्रह के लिए गए, चाहे 10 रुपए का किसी ने योगदान दिया हो, वो मंदिर के लिए योगदान किया है, सारे हिंदू समाज ने इसमें योगदान किया है, इसीलिए हम लोगों को हर घर तक उस पत्रक को, पूजी तथा चावल को हर घर तक भेजना चाहिए क्योंकि अयोध्या से आमंत्रण आया है कि आप सभी लोग भगवान का भव्य दर्शन करें। उसी उपलक्ष्य में 22 को प्राण प्रतिष्ठा समारोह 11:20 से हमारे परम पूजनीय मोहन जी भागवत, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 11:20 में अयोध्या में ये प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हैं और पूरे देश में दिवाली जैसा माहौल होगा क्योंकि जिस तरह भगवान राम लंका से विजय प्राप्त करके और अपने अयोध्या आए थे तो दीपावली मनाई गई थी, उसी तरह की दीपावली हमें कलयुग में दोबारा देखने को मिलेगी। अभी तो हमने अभी दीपावली मनाई है अभी 2 महीने पहले, लेकिन ये दूसरी दीपावली है जो पूरे देश में मनाई जाएगी, हर घर में मनाई जाएगी और हर सनातन हिंदू धर्म के लिए बड़े गौरव की बात होगी। मैं खंड संयोजक जगदम्बा दीक्षित, बबेरू खंड।